ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅੱਗੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕ डॉक्टर साहब क्यों जवाखा नूं धक्के मारी जांदा इन्हां भिखारियां नूं भजा जांदा डॉक्टर ने क्यों धक्का मारिया तैनूं दवाई दे दो कुड़िया जिहड़ी तुसीं कहे ते 50 रुपए कट दे सानूं 450 कट के 50 रुपए वापस कर बच्ची का प्यो मरे ना मरे अरे बुढ़ा जरूर मरूगा जी पर उपकार करता रहे दाल की गल कोई सब्जी नहीं बनाई अज थोड़ा प्यो सब्जी लेके आता ता ही बना सवेरे 500 रुपया दिता सीगा सब्जी लिया वास्ते सब्जी तो लिया नहीं उल्टा किसी का भला कर बापू क्यों करदा तू ये सब पूजा ने तेन सब्जी लिया पैसे दिते थे किसी का भला करने लिए दिते पुत उसनू सचमुच बहुत जरूरत थी पैसे हाँ तो उन्होंने पूरे पैसे देने की जरूरत सी 10-20 रुपये दे के पैसा छड़ा लेंदे हुण देख तेरे इन्हां चक्करां विच सानू दाल रोटी खानी पै रही है पूजा तू बापू नू पैसे दे के दोबारा सब्जी लैण लई फिर नहीं भेज सकदी सी इहदा की पता दोबारा फिर जरूरतमंद मिल जांदा तां सारे पैसे दे के फिर वापस आ जांदा खाली हथ तू कोई नौकर क्यों नहीं रख लेंदी जे नौकर रख लां तां बापू की करूगा यार घट्टो घट्ट इह सब तां नहीं होऊगा जे थोड़ा बहुत काम कर लूगा तो हाथ पैर चलते रहने जे मंजे ते बह गया ना तो आप नूं सेवा करनी पड़ेगी पुत वो जवाक सचमुच बहुत मजबूर थी जे उहदे पापा नूं ना दवाई मिलदी टाइम सिर पता नहीं की हो जाना सी पापा बापू जी ने तो चंगा काम किया तुसीं उहदे उत्ते क्यों गुस्सा कर रहे हो मैडम कहिया जो गरीबां दी हेल्प करदा वो रब हुंदा जो बड़िया की गल विच बोलता वह बुरिया आदत होंदिया ने सुन मैं सवेरे जल्दी ऑफिस जाना इसलिए तेन बापू स्कूल छड़न जाऊगा हुण रोटी खा जल्दी ते हुण जाके सौ जा इहदा दाल नूं हाथ नहीं लाउंदा अज तेन भुखा ही सौना पौगा मम्मी साडी मैडम कही है कि दालों विच बहुत विटामिन ते प्रोटीन हुंदा इहनां नूं सानूं जरूर खाना चाहिए अज तां मैं दाल ही खाऊंगा बापू साड़ी मैडम कह रही है रब जो धरती से आया लोगों ने इन्हों बहुत दुख दिए ने पर रब तो गरीब लोगों की मदद करता फिर लोग ऐ क्यों करते पुत उरी दुनिया से जो तक बंदा बंदे दे काम आउंदा रहूगा तो उरे आउण दी रब नूं कोई जरूरत ही नहीं साडे अंदर इंसान का दिल होना चाहिए पुत मैनू लगता भी तू भी गरीबा की इसी तरह मदद करेगा हाँ बापू मैं भी तुहाडे वर्गा बनूंगा चल ठीक पुत जा हुण स्कूल पढ़ ला तू है छोश रहना भी छड़ दिए करमा वाली मैडम थोनू इना वधिया हसबैंड मिले
साढ़े तो मेरी सस की चलती है, चाहे वह सही हो चाहे गलत। मैं अपने हसबैंड नूं एक बार अड होने लई कहता, वह कहते तैन छड़ सकता अपने माँ प्यो नूं नहीं। बेचारे खून के रिश्ते होंगे इदा दे, किन्नी भी मुश्किल हो एक दूजे का साथ नहीं छड़। तेरे ते साडे परिवार विच फर्क तां देख किन्ना, तेरे सास सोहरे दी इन्नी जमीन जायदाद, तेरे घर दा खर्चा आसानी नाल निकल जांदा। मेरे सोहरे वल देख, जमीन जायदाद तां है नहीं पल्ले, उल्टा साडी कमाई डाउंदा रहिंदा। इहो जिहा की करदा तेरा सोहरा? घर दा समान लैण वास्ते भेजा सीगा, उल्टा खाली हाथ ही आ गया। कहिंदा रस्ते च किसे गरीब दी हैल्प करदी, इक तां इहनूं खवाओ, दूजा इहनां दीआं हेरां फेरियां। हुण इहनूं पता वी घर मेहमान आए होए, दादू का ध्यान रखियो, मैं आपके पापा नूं फोन कर दा। बेटा की दा फोन? कुछ नहीं मम्मी, एदा दादू नूं चक्कर आ गया सी, बेहोश हो गया। ओहो, एक होर नवा नाटक शुरू हो गया हुण। हेलो हेलो, की होया बच्चा इन्ना घबराया होया क्यों? थोनूं पता ना, ए छोटी छोटी गल ते तुहानूं कॉल करदा रहिंदा। फिल्म दी टिकट बुक करा लिया ना? ऐतवार नूं तां सिर्फ मैं तेरी ड्यूटी करदा, इह गल मैं किवें भुल सकदा। चल चंगा डार्लिंग, मैं फोन रखदा। हाँ भाई, तूं किवें खुश जा रहा? तेरा विआह हुण ते फिर देखदे किवें हसदा मैं। यार एक्चुअली मैनूं समझ नहीं आउंदी वी लोक आपदी वाइफ तों इन्ना खौफ क्यों खांदे ने। ओह, खौफ इस लई खांदे ने क्योंकि कुड़ियां वाइफ बनण तों बाद शेरनियां बन जांदियां ने। हां बई, यार नशा पत्ता मुक्या पिया गा, कोई कर हल, किसे पासे हाथ ही नहीं पैंदा। मोबाइल मुने खोली किसे दा? ओ देख कुछ, इधर तो शरीर टुटदा जांदा यार। इहदे ही ना करिए काम, आपां होर चल के मुंडे सही गल आ, करना ही जांदा होर। ज्यादा तंग करन लग गया, बुढ़े दा कोई ना कोई हल करना ही पो। पुत, एकम दे आउण तों पहलां मैनूं किसे बिरधा आश्रम च छड्डिया वी मैं नहीं चाहुंदा वी मेरे करके तुहाडे घर दे विच होर कलेश होवे। पुत,
मैं पुत थोड़े ते कोई बोझ बन के नहीं जिउणा चाहुंदा। मैं एकम दे जन्मदिन ते जरूर मिलन आया करूंगा। एकम दी बिलकुल चिंता ना करो, उन्हूं तां मैं आपे संभाल लूंगी। जिहड़ा समैसला लिया ना जमा सही लिया, वैसे भी एकम तुहाडा रह रह के ना बिलकुल विगड़ गया आ। पर पूजा मेरी गल तां सुन, बस हुण तुसीं इहनूं बाला टाइम लाओ, इहनूं जल्दी छड्ड के आओ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ। 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਨੇ।